देखिए, आप और हम सब लोगों ने बहुत समय मीडिया में मतलब नौकरियां करते हुए भी गुजारा है। हम इन अखबारों से थोड़ा बहुत तो परिचित हैं ही हैं। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ औसतन अखबारों का हिंदी भाषा भाषी इलाकों में वो जिनकी प्रसार संख्या है और जिनका मतलब है, उनमें एक इस रुझान की धारा हमेशा बलवती रही है। जो आज की जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पहले जनसंघ थी, इनके प्रति एक हमदर्दी का भाव रखती थी और उसमें वो हमेशा ही खबरों में बेईमानी किया करती थी, हमेशा ही, जब वो बहुत कमजोर थे राजनीतिक तौर पर। लेकिन जब राजनीतिक तौर पर वो बहुत ताकतवर हो गए उसके बाद तो फिर, और जब सत्ता में आ गए, बहुत से राज्यों में पहले आए फिर अब केंद्र में भी आ गए, उसके बाद तो इन्होंने वो जो रही सही एक आप कह सकते हैं एक नकाब था वो भी उठा के फेंक दिया। अब वो उनके लिए एक मशीन के तौर पर है जो उनके पुर्जे कल पुर्जे हैं और उनके लिए काम करते हैं। ये खबर सिर्फ इतनी थी, जैसी खबर हमारे सीमा पर बहुत बार पैदा होती रहती है, वो ये होती है कि हमारे प्रहरी जो है देखते रहते हैं कि उस पार से कोई घुसपैठ न करे। बहुत सारे घुसपैठ करने वाले हथियार वगैरह या तस्करी के सामान लेके आते हैं और हमारे देश में उससे अशांति फैलती है या नशे का व्यापार होता है, तो उसको रोकने के लिए कई बार हमारे लोगों को जब दूरबीन वगैरह से या किसी सूचना से पता लग जाता है तो बॉर्डर पे एम्बुश लगाया जाता है। सुरक्षा बल एम्बुश लगाते हैं कि उनको पता नहीं होता, वो आते हैं और उस एम्बुश में वो फंसते हैं, मारे जाते हैं। ऐसी ही एक घटना थी, ऐसी ही एक खबर आई, एजेंसीज के लेवल पे थी, कश्मीर के लेवल पे थी, उसको बैठ के, अब ब्यूरो के लेवल पे हुआ या पता नहीं किस लेवल पे ये किया गया, ये दैनिक जागरण में उसको बैनर बनाया गया और नई दुनिया में जो इनका वो भी इन्होंने ही चूंकि खरीद लिया है उसमें भी इसको बैनर बना के खबर गढ़ी गई एक पूरी, जिसमें एक सर्जिकल स्ट्राइक, इसको इस एम्बुश को सर्जिकल स्ट्राइक में बदला डेस्क पर। ये सेना ने नहीं किया और सेना ने कोई इस तरह का बयान भी नहीं दिया, किसी रक्षा मतलब संस्थान ने, रक्षा मंत्रालय ने या हमारे किसी सैनिक अर्धसैनिक आर्गन ने, किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने पूछे जाने पर वो संवाददाता जो रक्षा से संबंधित मामले कवर करते हैं यही बताया कि एक एम्बुश हमने लगाया था, उसमें एक या दो उस तरह के जो घुसपैठिए थे मारे गए। वो उतनी सी बात थी, ऐसी बातें हर हफ्ते 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में होती रहती। लेकिन वो बैनर दुनिया के हिंदी के तो सबसे बड़े अखबार और भाषाई अखबारों में, पता नहीं, हो सकता है कि इसकी पहले दूसरे में कहीं नंबर हो। कई बार तो वो दावा करते हैं विश्व में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले, तो इतने बड़े अखबार में इस तरह से ये खबर गई। इस खबर से पहले भी और साथ साथ भी बहुत चीजें घट रही, जैसे एक गदर नाम की जो फिल्म का दूसरा सीक्वेल आया है वो इस समय हिट है, बहुत उसमें भीड़ जा रही है। आप एक ओटीटी पे बिग बॉस नाम के एक कार्यक्रम में एक एल्विश यादव नाम का लड़का जीता है, जिसके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री एक नौजवानों की बड़ी सभा में हाथ में हाथ डाले हुए उठाते हुए जा रहे हैं। एल्विश यादव इसके पहले एक यूट्यूबर के तौर पर जाना जाता था, जो बहुत सारी ऐसे चीजें करता था जिन्हें आप सीधे सीधे भड़काऊ सांप्रदायिक और दंगाई मानसिकता के की कह सकते हैं। जी लेकिन आजादी के बाद एक पीढ़ी हमारी आपकी आई बहुत सी, जिसको आजादी में जो कुछ हुआ था उससे बहुत सारी प्रेरणा मिलती थी और उससे एक शर्म भी मिलती थी, कुछ नैतिकता भी मिलती थी, वो अब गायब है। अब जो पीढ़ी मैदान में है उसके सामने आर्थिक सफलताएं सबसे उसके लिए प्रमुख चीजें हैं। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।